जिला बिजनौर के गंगा बैराज का है ये मामला। बिजनौर थाना कोतवाली शहर खेड़की गांव के रहने वाले तीन युवक गंगा बैराज पर नहाने के लिए गए थे। गंगा का जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ होने की वजह से एक युवक नाम रिजवान गंगा के तेज पानी के बहाव में बह गया, जिसके बाद से गोताखोरों की टीम द्वारा लगातार ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि गंगा जल स्तर काफ़ी बड़े होने के और ठंडा पानी मिलने की वजह से गंगा में डूबा युवक बाहर नहीं आ पाया है। वहीं रेस्क्यू कर रहे बचाव दल कर्मी ने बताया कि उनके द्वारा गंगा के 4 से 5 किलोमीटर तक दायरे में रेस्क्यू किया गया है, लेकिन युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। साथ ही 24 घंटे के बीच जाने के बाद युवक का सब ऊपर आने की संभावना जताई जा रही है। गंगा का पानी काफ़ी ठंडा। उसके क्या अपडेट है अभी? वो सर कल डूबा था करीब 6:30 बजे। जो मेन पुल है पहले वाला, उस पुल पर कूदा था, वो नीचे डूब गया था और वहाँ पर पानी का बहाव नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो वहाँ बॉडी तो नहीं रुकी, वहाँ से बॉडी निकल गई और निकली है करीब 4 से 5 किलोमीटर आगे बॉडी इधर गई है। पानी बहुत ठंडा है, कभी करीब उसे भी लगेंगे 48 घंटे ऊपर आने में। तो हम लोग गए थे करीब 4-5 किलोमीटर आगे रेस्क्यू करके आए हैं, फिलहाल डेड बॉडी नहीं मिली उसकी। कितना समय हो गया सर आपको रेस्क्यू करते हुए? हम सर सुबह 10 बजे से कर रहे हैं रेस्क्यू। क्या उम्मीद है सर? उम्मीद कल मिल जाएगी, कल मिल जाएगी डेड बॉडी 100%। लोग आपके साथ टीम रेस्क्यू में, टीम में 8 लोग हैं सर। Anybody out there hear me?